अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? काम दीजिए। ठीक है, बस ईद कैसे गुजरी आप सबके? गई। मैम कोरोना मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, यस आ रही है। हाँ जी, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं आपका मेकअप लेक्चर रखना है जो हमने लास्ट क्लास मैंने मिस किया है। तो आप लोग किस टाइम पे फ्री होते हो? मैम को भी कोई मैम हमारे ना अपना क्विज स्टार्ट हो गए हैं तो बेटा मेकअप लेक्चर तो रखना है ना। मैम नेक्स्ट वीक में रख लीजिएगा जी। नेक्स्ट वीक के एंड पे, मैम नेक्स्ट वीक के एंड पे रख लेना। नेक्स्ट वीक में ही रखूंगी, लेकिन किस डे पे आप लोग? सैटरडे। मैम सैटरडे, सैटरडे रख। यस मैम सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे में कोई टाइम दे दो। हम क्लासेस होती हैं सैटरडे रख लेंगे। मैम वेडनेसडे को रख लेंगे। फ्राइडे में रख लेंगे, मतलब शाम टाइम रख लेंगे। शाम के टाइम मोस्टली वो छुट्टी होती है। कोई टाइम तो होगा ना जिस टाइम पे आप फ्री होते हो? पूरे हर वक्त तो क्लास नहीं होती रहती मैम। वेडनेसडे को रख लेंगे। मैम इवनिंग में रख लेंगे क्लास, मेकअप क्लास रखनी है आपने। आप लोगों के जो है मॉर्निंग टाइम में कौन सा टाइम फ्री है मोस्टली लोगों का? मतलब कुछ बच्चों का तो इशू होगा, उनकी कोई क्लास हो सकती है, लेकिन मोस्टली लोग किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं? मैम किस डे की बात कर रही हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैम डिफरेंट टाइम होते हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे को ना रखें क्योंकि मेरे भी ऑलरेडी मैम 5 लेक्चर्स होते हैं आज। नहीं, ट्यूसडे और फ्राइडे को तो आप लोग, मेरे भी 3 लेक्चर्स आप लोगों ये बायोकेमिस्ट्री के ही होते हैं, तो इनके अलावा इन बाकी 3 दिनों में किसी भी मैम वेडनेसडे को रख ले। कुछ बच्चों का जो इशू आ गया तो आप लोग मुझे ईमेल कर देना, तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी ऑब्वियसली, तो उनकी अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट दिस मैम। तो फिर ठीक है मैम। ठीक है मैम। तो जिन बच्चों का कोई इशू है ठीक है, आप लोग मुझे ईमेल कर देना और बता देना वो जो भी आपका लेक्चर होगा स्क्रीनशॉट सेंड कर देना ठीक है, तो फिर मैं उनकी जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। मैम जरा रिपीट कीजिएगा, आपने अभी क्या कहा है अटेंडेंस के बारे में? तो मैंने कहा अगर किसी बच्चे का इशू हुआ मेकअप लेक्चर के दौरान ठीक है, उसकी कोई क्लास हुई तो वो मुझे ईमेल कर दे और अपना जो भी लेक्चर है उसका स्क्रीनशॉट साथ अटैच कर दे, तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है मैम। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था किसी ने? ईद इंजॉय की है बस। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई लास्ट लेक्चर किसी ने पढ़ा है या सिर्फ छुट्टियां गुजारी है? Yes, ma'am. अच्छा पढ़ा था तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है। नेक्स्ट हमने आप लोगों को इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में जो है हम क्विज जो हमने कहा था कि हम रखेंगे आपके 6 लेक्चर्स का, वो भी मैंने रखते हैं, तो आप लोग काइंडली उसको पढ़ना शुरू कर दो।
ताकि आप लोगों का क्विज अच्छा हो जाए और डे हम डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट वीक में. ठीक है मैम, नेक्स्ट वीक में एक मिड है और दो क्विज और हैं. चलो उसे नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं. ओके मैम, थैंक यू. स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर. आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो लास्ट लेक्चर की ही जो है वो उसका है. क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में ये तो पता होगा. हाँ जी बच्चों, क्या पढ़ा था? हम DNR एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था. DNR एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था. DNR एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा था मैम? इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, दो स्ट्रैंड होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड. अच्छा हमने लास्ट टाइम जो है ना DNA रेप्लिकेशन के बारे में जनरल पढ़ा था कि उसमें दो स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से मेजर कौन से स्टेप्स होते हैं ट्रांस जो इसमें रेप्लिकेशन में? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है तो आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है इट्स अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है कि वो है क्या और वो किस तरह से होती है. ये मोस्टली वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. तो आप लोगों का ओवरव्यू भी हो जाएगा और आप लोगों का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे. तो ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है मैम? DNA से RNA बनता है. DNA से RNA बनता है. और मैम RNA से DNA बनता है. RNA से DNA बनता है. ट्रांसक्रिप्शन पूछी जाएगी. ट्रांसक्रिप्शन यही होती है बस के DNA की इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होती है टू द मैसेंजर RNA. कि अगर आपसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछी जाए तो वो आप कह सकते हो कि जो है RNA से वो DNA फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है जी मैम. तो जी आज का लेक्चर आप लोग मुझे पढ़ाओगे, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने ही पढ़ी हुई है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस. This is the steps of DNA replication, that the information copy from DNA to RNA, it is a process of transcription, and then by using RNA there will be the protein synthesis in the ribosome, and this step is known as translation. और इन दोनों को जो है हम DNA replication कहते हैं. ठीक है, ये दोनों steps हैं DNA replication के. DNA क्या होता है? सेकेंड नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है. इसमें जो है थायमीन है, RNA में यूरासिल होती है. ठीक है, और इसका फंक्शन डिफरेंट है. इसका फंक्शन क्या है? एक ही फंक्शन है, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट RNA. RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और इसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल बेस होती है. और इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना एक फंक्शन है.
ठीक है, मतलब राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम का पार्ट है तो वो प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज कन्वे करता है टू द राइबोसोम बाय यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जो है इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू द राइबोसोम. ठीक है, तो इस तरह से आरएनए की हर टाइप की जो है वो फंक्शन डिफरेंट है, जबकि डीएनए का जो फंक्शन है वो एक ही है, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस के आरएनए में जो राइबोस शुगर होती है और डीएनए में जो है डी ऑक्सीराइबोस शुगर होती है. जो कार्बन नंबर टू है उसमें ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है, इसलिए इसको डी ऑक्सीराइबोस कहते हैं डीएनए में. ठीक है, मतलब कार्बन नंबर टू पे जो है डी ऑक्सीराइबोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं होती और राइबोस में ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होता है. स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप सबको पता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. आई डोंट थिंक सो, अगर आपसे आप ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, तो आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसको ना आता हो, क्योंकि ये हमने बहुत कोई 10 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि देर इज दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस. आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो नाइट्रोजनस बेसिस. आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में जो है वो थायमिन है. और राइबोस शुगर का डिफरेंस है ऑब्वियसली, आरएनए में जो है राइबोस है और डीएनए में जो है डी ऑक्सीराइबोस शुगर है. इसके अलावा आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ जगहों पे ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें हेयर पिन लूप लाइक अपीयरेंस होती है. ठीक है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड ही बेसिकली एक दूसरे के साथ वाइंड करके तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है. अदरवाइज आरएनए जो है इट्स कम्प्लीटली आ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विद डिफरेंट एफिशिएंसीज. ठीक है, मतलब अगर दो जीन्स हैं हमारे पास या हमारे जीनोम में दो जीन्स हैं तो उनका जो एफिशिएंट है या उनका एक्सप्रेशन रेट है वो वेरी होगा. ये नहीं कि मतलब दो जीन्स हैं तो वो एक जैसी ही अमाउंट के साथ जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं. फॉर एग्जांपल जीन ए जो है वो उसका वो हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन उसमें एफिशिएंसी हो और इसी तरह से फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसलेशन भी और या उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा. लेकिन जीन बी जो है वो हो सकती है कि उसका ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत कम हो और इसी तरह से उसका प्रोटीन एक्सप्रेशन भी लो हो. तो हर जीन जो है उसका एक्सप्रेशन वेरी करता है और हर एक जो है उसकी एफिशिएंसी वेरी है टू एक्सप्रेस द प्रोटीन्स. मैम किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब जो जीन की एफिशिएंसी है? जीन टू जीन वेरी करता है, हर जीन का साइज डिफरेंट है, हर जीन की जो लेंथ है वो वेरी करती है. ठीक है, तो इस तरह से हर जीन जो है अपने अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करती है और कोई भी जीन एक दूसरे पे जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही होती. मैम ये बात फिक्स होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे जीन ए है वो 5 times फॉर एग्जांपल करेगी और जो जीन बी है वो 1 time ट्रांसक्रिप्ट करेगी, ये फिक्स होती है बात या ये भी वेरी कर सकते हैं? जीन्स फिर आगे जैसे अगर जीन ए है उसका स्मॉलर स्ट्रक्चर है या मतलब उसका साइज कम है तो ऑब्वियसली अपने आप को ट्रांसलेट भी कम ही करेगा ना. लेकिन अगर जिसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, बड़ा है और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है. ठीक है, अब हर इंसान जैसे हम लोग हैं, हर कोई हर किसी की एफिशिएंसी वेरी करती है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत कम इंटेलिजेंट होता है. तो इसी तरह से जीन्स में भी यही चीजें हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक है कि हर जीन जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से और हर जीन की एक एफिशिएंसी रेट होती है. कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोई जीन्स कुछ जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कम कर सकती हैं. ठीक है, ओके मैम. दिस इज अ केमिकल स्ट्रक्चर, वही कि उसका शुगर बैकबोन होती है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और आरएनए में जो है यूरासिल होती है एज कम्पेयर टू थायमिन. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है आप लोग बताओ, जिसमें डीएनए की फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जी, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए
by the DNA या for copy of the information from the DNA to the RNA, ठीक है, इसको आप different way से जो है वो जो है कर सकते हो, इसको define कर सकते हो, लेकिन basic concept वही है कि इसमें basically क्या हो रहा होता है, DNA से information जो है वो copy हो रही होती है to the messenger RNA by the enzyme RNA polymerase. और ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके प्रोसेस 5-3 डायरेक्शन में होते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज़ जो एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उस जीन के अकॉर्डिंग जो है मैसेंजर आरएनए भी इस ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसफर आरएनए भी ट्रांसक्राइब होगा, और राइबोसोमल आरएनए भी हर जीन का लिए जो है ट्रांसक्राइब होगा सेल के अंदर, और फिर प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो पूरा प्रोसेस जो है कम्प्लीट होगा. थ्री टाइप्स आरएनए जो है ऑफ आरएनए है. मैसेंजर आरएनए का फंक्शन बताओ आप लोग. मैम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मैम मैसेज लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल है? अमीनो एसिड की ट्रांसफरिंग करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है, चेन को लेंथ ट्रांसलेशन प्रोसेस में. राइबोसोमल आरएनए का रोल मैम वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है. क्या बनाते हैं मैम? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है मैम राइबोसोम के अंदर. ट्रांसलेशन राइबोसोम का पार्ट होता है और ट्रांसलेशन प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है. यस, ठीक है. ये सारी जो है ये सारे बेसिक टाइप्स हैं आरएनए की जो सबसे ज्यादा है. इसके अलावा हमने माइनर टाइप ऑफ आरएनए भी पढ़ा था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो ये इसकी थ्री टाइप्स हैं. This is again the same concept that DNA se RNA banta hai, it's the transcription process, and then from the RNA there will be the protein formation in the cytoplasm. ठीक है, और जो coding इसमें DNA के double stranded होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक strand जो है वो read होता है, ठीक है, एक strand जो है read नहीं होता, और जो read होते हैं वो 3-5 end पे होते हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है वो 5-3 एंड पे हो रही होती है, मतलब 3 एंड पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है 5-3 एंड है, ठीक है. इसके अलावा जो हम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रीड हो रहा होता है, जो स्ट्रैंड रीड हो रहा होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. टेम्पलेट के मतलब वो एज ए रोल मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको यूज करके जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है, और जो रीड नहीं हो रहा होता उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कहा जाता है. डिफरेंसेस प्रोक्रियोट्स और यूकेरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या है? हाँ जी बताओ आप सब लोग. प्रोक्रियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे वेरी कर रही होती है? एक एक पॉइंट बता दीजिए जी. पता है इसके बारे में या मैं बताऊं? जो है ना प्रोक्रियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता. जो यूकेरियोट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है विद इन द सेलुलर न्यूक्लियस होता है, बिकॉज़ दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. राइबोसोम्स का साइज भी छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकेरियोट्स. हां जी, प्रोक्रियोट्स में राइबोसोम का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकेरियोटिक राइबोसोम. इसके अलावा अच्छा, एक तो पहला स्टेप आप लोगों ने बता दिया कि प्रोक्रियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है सेपरेट नहीं हुआ हुआ होता, ठीक है. लेकिन यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. इसके अलावा जो प्रोक्रियोट्स का डीएनए है वो मोर एक्सेसिबल है टू आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स. क्यों? क्योंकि वो सेपरेट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और जबकि यूकेरियोट्स का डीएनए जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और उसके जो सराउंडिंग में प्रॉपरली जो है मेम्ब्रेन्स हैं और वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, सेपरेट हो जाता है, उसका कनेक्शन जो है साइटोप्लाज्म से तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन उनकी बाउंड्रीज होती है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की. तो इस तरह से यूकेरियोटिक डीएनए जो है इजीली एक्सेसिबल नहीं है और ये प्रॉपरली पैक्ड फॉर्म में होता है.
इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं डीएनए के उसके साथ, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ, और जबकि यूकेरियोट्स में वेरिएबल प्रोटीन्स हैं जो इनकी इंटरैक्शन कराएंगे। इसके अलावा जो है मैसेंजर आरएनए जो बनता है प्रोकैरियोट्स में वो वैसे ही यूज हो जाता है, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती, लेकिन यूकेरियोटिक जो प्री मैसेंजर आरएनए होता है उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ी थी तो वो होती है, उसके बाद जो है वो यूज होता है फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है प्री मैसेंजर आरएनए में? मैम कैप और टेल आती है ना, और इसके अलावा मैम, हाँ जी इसके अलावा क्या होता है कोई और बताए? एक तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कैप ऐड होगी है, टेल ऐड होगी, इसके अलावा क्या होगा मैम? मैम अगर अगर जो है ना लेगिंग स्ट्रैंड है तो उसमें मैम डीएनए लिगेज को जोड़ता भी तो है ना उसके फ्रेगमेंट्स को, वो कलर के फ्रेगमेंट्स को। बेटा जो भी स्ट्रैंड वो होते हैं ना उसमें दोनों स्ट्रैंड में इंट्रॉन्स, अच्छा सेकंड और एक और चीज क्या होती है इंट्रॉन और एग्जॉन्स रीजन जो होते हैं ना फ्री मैसेंजर आरएनए में, तो इंट्रॉन्स रीजन जो है वो फिर रिमूव हो जाते हैं और फिर एग्जॉन्स जो है वो दूसरे के साथ। तो ये भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है। सेंस वर्सेस एंटीसेंस स्ट्रैंड, जो ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड हो रहा है उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और जो नॉन सेंस जो ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड है उसको सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। और मैसेंजर आरएनए जो है वो कम्प्लीमेंट्री होता है टू द एंटीसेंस स्ट्रैंड। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? हाँ जी बच्चों आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? किसका मतलब पूछा आपने? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैम कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जो भी हमारे पास स्टैंड होगा उसका ऑपोजिट, मतलब केवल एक साइड पे अगर ए है तो दूसरी साइड पे यू होगी, ऑपोजिट जो है वो होगा उसके, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री हो गए वो एक दूसरे के स्ट्रैंड जो है उसका ऑपोजिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए में। इसके अलावा आरएनए में जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें नॉन कोडिंग स्ट्रेचेस भी होते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसक्रिप्ट ये हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी ट्रांसक्राइब हो जाता है, ठीक है, वो भी मैसेंजर आरएनए में आ जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती हैं उसमें वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हमने नाम क्या दिया था? इंट्रॉन्स जो है उनको नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, और एग्जॉन्स जो है वो कोडिंग रीजन होते हैं। तो प्री मैसेंजर आरएनए में जो है इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एग्जॉन्स जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और फिर उनकी जो है कोडिंग सीक्वेंस की जो है वो ट्रांसलेशन होती है, उससे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वही इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एग्जॉन्स जो है वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें दोनों रीजन है उसको हम पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनते हैं कहते हैं, ठीक है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन उसमें दोनों जो रीजन है वो ट्रांसक्राइब होंगे, कोडिंग सीक्वेंस भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी। ये जो स्प्लिट एंड्स हैं, स्प्लिट लाइंस हैं, ये इनको हम इंट्रॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जब इसकी मॉडिफिकेशन होगी तो ये जो इंट्रॉन रीजन है ये रिमूव हो जाएंगे और एग्जॉन्स हैं एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारे पास मैच्योर मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, आप लोग मुझे बताओ कि इनके बारे में, ये आप लोगों को ओवरव्यू के लिए मैंने इसमें डाले हैं। फुल मोटर रीजन कौन सा होता है मैम? जो के इनिशिएट करता है मैम ट्रांसक्रिप्शन को। क्या करता है? इनिशिएट करता है मैम जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है। इनिशिएट के पॉइंट जो डीएनए का है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। एनहांसर क्या होते हैं? जो ट्रांसक्रिप्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। साइलेंसर्स क्या होते हैं?
हाँ जी बच्चों, ये आप लोग रिस्पांस दिया करो काइंडली, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई लेक्चर में। साइलेंसर्स क्या होते हैं? मैम ये भी ट्रांसमिशन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं, ये भी जो है रिप्रेसर्स के साथ अटैच होते हैं और जो है ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन करते हैं। टर्मिनेटर क्या होते हैं या टर्मिनेशन पॉइंट क्या होता है? जो एंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, यहां पे स्टॉप कोड आ जाता है, स्टॉप कोड आता है मैम, टर्मिनेटर पॉइंट कहते हैं या टर्मिनेशन पॉइंट। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो है टेम्पलेट, सबस्ट्रेट और एंजाइम। टेम्पलेट कौन सा है? टेम्पलेट जो हम डीएनए को यूज कर रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी हो रहा है, वो ऐसे टेम्पलेट एक्ट करते हैं। सबस्ट्रेट से होती है जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, इसमें यूरासिल होगी और साइटोसिन, ठीक है, वो ऐसे सबस्ट्रेट एक्ट करेंगे। और एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डीएनए जो यूज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है। टेम्पलेट में हमेशा स्टार्ट कोडोन होता है और एंड पे जो है वो स्टॉप कोडोन बनता है। ये सबस्ट्रेट्स वो ही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एंजाइम्स जो है प्रोक्रियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और यूकेरियोट्स में थ्री पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3। मेन डिफरेंस इन दोनों में जो प्रोक्रियोट्स और यूकेरियोट्स में होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज की टाइप में होते हैं, ठीक है, प्रोमोटर साइट्स में होते हैं। और इनहांसर, साइलेंसर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूकेरियोट्स। स्टेप्स ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द इनिशिएशन पॉइंट, व्हाट इज द इलॉन्गेशन एंड व्हाट इज द टर्मिनेशन। इनिशिएशन पे प्रमोटर आता है मैम, जो कि स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है, और उसके बाद प्रमोटर रिमूव हो जाता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना कंटिन्यू करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, उसके बाद एंड पे आएगा स्टॉप कोडॉन जो कि टर्मिनेट कर देगा इसको। हाँ जी ठीक है, तो इनिशिएशन में सबसे पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, मतलब जो डीएनए का पार्ट है प्रोमोटर साइड पे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके अटैच होते हैं और फिर वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके तो अब वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू हो जाता है जो कि ऑपोजिट होते हैं टू द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस तरह से इनिशिएटिव पॉइंट होता है और फिर जो है वो उसमें ऐड होते जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इलॉन्गेशन में वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती जाती है, फिर एंड पे जब स्टॉप कोडोन आता है तो फिर वहां से टर्मिनेशन हो जाती है, मैसेंजर प्री मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे पास बन जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो इनिशिएशन में जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं और प्रोमोटर रीजन आपको पता है कि इट्स अ स्टार्टअप पॉइंट। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फिर क्या करता है कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू हो जाते हैं बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट, और जो डीएनए जो है ट्रांसक्राइब हो रहा होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एरिया जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें प्रोमोटर रीजन जो होता है वो टीए बॉक्स कहा जाता है उसको, और जो है इस टीए बॉक्स जब प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए टेम्पलेट को यूज करके तो जो है ऑपोजिट स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। तो ये वही बार बार चीजें हैं, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई डोंट थिंक सो हमने इसको इतनी दफा रिपीट कर चुके हैं कि अगर किसी बच्चे का अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो किस तरह से होगा, ठीक है। सबको समझ आ गई है वैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की? यस मैम। कुछ
नेक्स्ट इज द आरएनए स्ट्रैंड इलॉन्गेशन, ठीक है, इनिशिएट हो गया, फिर आरएनए डीएनए जो है ट्रांसक्राइब होगा बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज जो है मूव स्टेप वाइज, ठीक है, मतलब डीएनए के जो है पूरी लेंथ के जो ट्रांसक्राइब होने हैं वो स्टेप वाइज मूव करता जाएगा और कंप्लीमेंट्री बेस पेयर जो है आरएनए में ऐड करता जाएगा. ग्रोइंग चेन जो है वो हमने पहले भी कहा कि 5-3 डायरेक्शन में होती है और सबस्ट्रेट जो ऐड होते हैं वो एटीपी, यूटीपी, सीटीपी और जीटीपी. ठीक है, ये वही है कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रोमोटर रीजन या हम ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स जिसको कह रहे हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो अटैच होते हैं साथ और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हुआ वहां पे जो है, फिर डीएनए जो है अनवाइंड होते हैं और फिर इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करके जो है आरएनए अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता जाता है बाय एडिंग जो है सबस्ट्रेट. ट्रांसक्रिप्शन वही है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट. प्री मैसेंजर आरएनए फिर हमारे पास बन जाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. ठीक है, प्रोसेसिंग में हम उसकी ऐड करते हैं, कैप ऐड की जाती है और टेल ऐड की जाती है. इन दोनों का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. मैम कैप करती है और टेल मूवमेंट में हेल्प करती है. एक तो ये इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए को स्टेबल करने में और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सेकंड, ये इसकी जो है रिकग्निशन जो राइबोसोमल आरएनए में होगी, राइबोसोम में जाके रिकग्नाइज होगा प्री मैसेंजर आरएनए, वो कैप और जो है टेल के थ्रू होता है. ठीक है, वहां टेल जो है टेल के थ्रू उसके साथ अटैच होता है राइबोसोम के साथ. इस तरह से इसकी रिकग्निशन और स्टेबिलिटी में हेल्प करती है. टर्मिनेशन कहाँ पे आएगी? जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, जब जो है टर्मिनेटर रीजन पे चला जाएगा आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है यू और ट्रिपल ए होते हैं. आरएनए स्ट्रैंड जो है जब टर्मिनेटर पॉइंट पे चला जाता है तो रिलीज हो जाता है और डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द डीएनए, और फिर जो ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स बना होता है वो भी डिसोसिएट हो जाता है. उसके बाद आरएनए स्ट्रैंड जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. ठीक है, मतलब जीन जो है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है पहले वो टोटली ट्रांसक्रिप्शन उसकी हो जाएगी, इंट्रॉन्स भी, कोडिंग सीक्वेंस भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी. प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं? कैप ऐड करते हैं, टेल ऐड करते हैं, इसके अलावा इंट्रॉन्स जो है रिमूव होते हैं, फिर हमारे पास फाइनल फॉर्म आती है मैच्योर मैसेंजर आरएनए. यूकैरियोटिक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये मल्टीपल सब यूनिट्स इसमें ऐड होते हैं. ठीक है, 8-12 सब यूनिट्स होते हैं पॉलीमरेज एंजाइम के. इसमें कुछ लार्जेस्ट रीजन होते हैं जो दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. पॉलीमरेज 1, 2, और 3 जो है ये कहाँ कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में, तीनों. और इनका प्रोडक्ट जो है वो वेरी होता है कि मतलब ये किस चीज को ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. तो आरएनए पॉलीमरेज 1 लार्ज राइबोसोमल आरएनए को करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है मैसेंजर आरएनए बनाता है और मोस्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस. आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और अदर स्मॉलर आरएनएस जो है वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा होता है. इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वेरिएबल होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज एंजाइम लार्जर होता है देन द प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोट्स में 12 सब यूनिट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 5 सब यूनिट्स होते हैं. इसके अलावा इसमें जो ग्रे रीजन है जिंक एटम्स को शो करते हैं और रेड जो है वो मैग्नीशियम, ब्लू जो है वो उसको शो कर रहे होते हैं जिंक को और रेड जो है वो मैग्नीशियम आयन को शो कर रहे होते हैं. दिस इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के हम मॉडिफिकेशन क्या क्या करते हैं और ये किस तरह से एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल किस तरह से है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, दिस इज शोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी लाइक
यूकेरियोट्स में जो है डीएनए में वो दोनों कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, वहां से हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसमें कैप ऐड की जाती है, टेल ऐड की जाती है, और ये जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव होते हैं, और फिर हमारे पास जो है एक मैच्योर आरएनए बनता है, और मैच्योर आरएनए बन के फिर वो साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के अंदर इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए को यूज करके प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, और इसके जो है ऑपोजिट जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए होता है, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, ठीक है, वहां से कोडिंग सीक्वेंस से ही मैसेंजर आरएनए बनते हैं और वो ही मैसेंजर आरएनए यूज होते हैं फॉर द ट्रांसलेशन, इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होती और ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें ये डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एक ही उसमें होती हैं, ठीक है, डीएनए में डिफरेंट जीन्स होती हैं और हर जीन जो है अपने अपना अपना एक्सप्रेशन कराती है, कोई भी जीन एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, एक जीन जो है प्रोटीन अल्फा के लिए है, दूसरी प्रोटीन बीटा के लिए और तीसरी प्रोटीन गैमा के लिए हो सकती है, ठीक है, इसी तरह से मतलब हर जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन कराएगी, वो एक दूसरे से एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही होती, और इसी तरह से फिर उसका जो है वो बनता है मैसेंजर आरएनए हर जीन का और उससे जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो इस सब में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्फा बीटा और गामा प्रोटीन का बता दें। मेरे वैसे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि मतलब हर जीन जो है वो अपनी प्रोटीन बनाती है, वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होती। ओके मैम, मतलब जीन ए अगर है या जीन वन है तो वो अपनी प्रोटीन बनाएगी और जीन टू जो है वो अपनी प्रोटीन बनाएगी। मैम तो यूकेरियोट्स में भी तो यही होगा। हाँ जी, तो यही यूकेरियोट्स में भी यही होता है और प्रोकैरियोट्स में भी यही होता है, हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक जीन होती है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी चेंज है, ठीक है, यूकेरियोट्स में मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यूकेरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में जो है वो सिंपलर प्रोसेस है और यूकेरियोट्स में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप कह लो। यस मैम, हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में? ये सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैम क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या इसको अच्छी तरह से, इसको सबको अच्छी तरह से पढ़ो, अपने ये लेक्चर्स जो है प्रिपेयर करो, आप लोगों का एक तो क्विज है और सेकंड आप लोगों का जो है हमारे 20 ही लेक्चर्स हैं, तो आप लोग प्रॉपरली इसको पढ़ते जाओ ताकि एंड पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने बार बार वही चीजें पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और बेसिक उसका डीएनए का स्ट्रक्चर आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद हमने ट्रांसलेशन हमारा टॉपिक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने टेक्निक्स की बात की थी कि पीसीआर है या और कोई बाकी सारी टेक्निक्स हैं, वो फिश टेक्निक है या कोई बाकी सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उसकी तरफ आएंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको जो जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे इनको प्रॉपरली जो है वो पढ़ लो ताकि आप लोगों को एंड पे इसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके मैम, मैम क्विज कब होना है? क्विज आप लोगों का नेक्स्ट वीक में हम डिसाइड कर लेंगे कि हम जो है किस दिन जो है आप लोगों को क्विज रखें, ठीक है, अगर नेक्स्ट आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका क्विज है तो हम डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वीक में किस दिन रखें। मैम ज्यादा डिले भी ना कीजिएगा, उससे नेक्स्ट वीक में फिर हमारा ट्यूसडे में ही रख लीजिएगा। बेटा आप ये नेक्स्ट वीक में तो डिले कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट वीक को आप लोगों का ये हम रखेंगे ताकि आप लोगों का एक क्विज तो जो है वो कम्प्लीट हो जाए, इसके साथ में असाइनमेंट भी ऐड कर दूंगी।
यस मैम, ज्यादा डिले हो जाएगा तो फिर आगे हमारी असाइनमेंट्स बाकी और भी काफी असाइनमेंट्स आ जाती हैं आगे जो है वो। अब आपकी मैम हमारी टोटल लेक्चर्स कितने हैं? बेटा 20 लेक्चर्स, ठीक है 7 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीक में 3 लेक्चर क्योंकि एक मेकअप लेक्चर है तो 3 लेक्चर होंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको जल्दी जो है वाइंड अप कर लेंगे तो साथ साथ आपके असेसमेंट्स जो है वो भी करते जाओ। मैम क्विज हमारा 6 लेक्चर्स का ही है ना? हाँ जी मैम, जो है उसकी प्रॉपर डेट शीट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है जो एकेडमिक कैलेंडर पे डेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग डेट शीट आएगी आपकी। मैम क्विज का सिलेबस 6 लेक्चर्स है ना? हाँ जी फर्स्ट 6 लेक्चर्स। ओके मैम। अच्छा सेकंड और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो बच्चों का आ रहा है कि बच्चों का वो पोर्टल एलएमएस का इशू था, ठीक है बहुत सारे बच्चों का सी सेक्शन में। तो अभी भी अगर क्योंकि मैंने लगा जो है उसको मॉडिफाई किया था आपकी लिस्ट को, तो अगर अभी भी किसी बच्चे का इशू है तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें क्योंकि आप लोगों की जितनी भी असेसमेंट्स होनी है वो सारी की सारी एलएमएस के थ्रू होनी है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई इशू होगा तो वो आप लोगों की असेसमेंट प्रॉपर नहीं होगी फिर, तो फिर एंड में मुझे कोई ना कहे कि जी हम लोगों का कोई मसला था इशू था। तो अभी आप लोग मुझे बता दो अगर किसी का भी इशू है एलएमएस का और पोर्टल का, या पोर्टल पे कोई और सेक्शन है एलएमएस पे कोई और सेक्शन है, तो मुझे आज ईमेल कर दें ताकि आप लोगों का ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके मैम, कोई ऐसा बच्चा है? मैम वो इशू तो मेरा रिजॉल्व हो गया है ना, ईमेल्स नहीं आती मुझे जी, आपकी ईमेल्स नहीं आती मुझे, जो आपने क्लास की भी ईमेल की थी कि क्लास नहीं होगी वो ईमेल भी नहीं आई थी मुझे। अच्छा वो उसका जो ग्रुप अपलोड नहीं होगा जीमेल वाला, ठीक है। तो एलएमएस पे आप लोगों आपका कोई इशू तो नहीं है एलएमएस पे? मैम तभी चेक करके बताते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ सेक्शन चेंज हो रहे हैं, कुछ पोर्टल पे हो रहे हैं एलएमएस पे हो रहे हैं। आप सब लोग जो है लेक्चर के बाद अपना जो है सेक्शन चेक कर लो पोर्टल पे और एलएमएस पे सेम है, क्योंकि जो बी सेक्शन वाले थे उनका इशू आया था वो मर्ज हुए थे। अगर स्टार्ट पे ही जो है वो इस सेक्शन में तो उनका तो इशू नहीं है, जो बी सेक्शन वाले मर्ज हुए थे उनका इशू आया था, ठीक है। तो वो बच्चे काइंडली अपना जो है एलएमएस और पोर्टल चेक कर लें कि उनको पोर्टल पे और एलएमएस पे सेम जो है वो इशू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिफरेंट है तो काइंडली मुझे आज ईमेल कर दें ताकि मैं उसको जो है इशू को देख लूं। यस मैम, मैम मेरा इशू था लेकिन आपने एलएमएस वाला रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन ईमेल भी नहीं आती मुझे आपकी, एलएमएस वाला हो गया था। मैं वो देखूंगी, ईमेल का इशू नहीं है, लेकिन आप लोग पोर्टल और एलएमएस का जो है वो चेक कर लो। मैम वो हो गया था, वो मैंने आपको ईमेल की थी आपने कर दिया था। ओके बाकी सब बच्चे भी चेक कर लें जरा जिनका चेंज हुआ है सेक्शन, तो फिर मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है या कोई और कंसर्न है तो आप लोग पूछ लो। नो मैम। चलिए ठीक है, फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते जाओ बच्चों। तो क्योंकि एंड पे आप लोगों अब इतने मेच्योर हो चुके हो, काफी सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, एंड पे सब कुछ जो इकट्ठा हो जाता है, तो साथ साथ पढ़ते जाओ मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आप लोगों को एंड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़। Love, please.